हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कोरियन लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहां से जियोनबुक होंडाई मोटर्स और ग्वांगजू एफसी के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस, इस वीडियो में इन दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। और गाइस, बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइस वो कौन से प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफ़ी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी स्मॉल लीग टीम में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और प्लेयर का कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस, सबसे पहले नजर डालते हैं इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइस, फिलहाल हम आ चुके हैं कोरियन लीग की जो पॉइंट्स टेबल वहां पर। तो सबसे पहले नजर डालते हैं जियोनबुक होंडाई मोटर्स इस लीग में सेकंड पोजीशन पर है। वहीं पर बात करें ग्वांगजू एफसी इस लीग में 12th पोजीशन पर है, यानी सबसे निचली सतह पर है। अब गाइस, बात करें जियोनबुक होंडाई मोटर्स इस लीग में 20 मैच खेल चुकी है, जिनमें से 10 मैच इस टीम ने विन भी किए और 6 मैच ड्रॉ भी खेले और 4 मैच इस टीम ने लॉस भी किए हैं। अटैकिंग वाइज 36 गोल किए हैं और डिफेंसिव वाइज इस टीम ने 21 गोल कंसीड किए हैं। तो गाइस, 20 मैच में 36 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो जो इसका अटैक है, प्रत्येक मैच में 1.8 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखता है। वहीं पर बात करें इसने 20 मैच में 21 गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किए, तो इसका जो डिफेंस है प्रत्येक मैच में 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज रखता है। अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 गोल पर मैच स्कोर करती है और कभी कभी हल्की टीम के सामने 2 या 3 गोल पर मैच भी कर देती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने ही प्रत्येक मैच में 1 ही गोल कंसीड करती है। अब गाइस, बात करें ग्वांगजू एफसी इस लीग में 22 मैच खेल चुकी है, जिनमें से 5 मैच इस टीम ने विन भी किए, 4 मैच ड्रॉ भी खेले और 13 मैच इस टीम ने लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 20 गोल किए हैं और 27 गोल इस टीम ने डिफेंस वाइज गोल कंसीड किए हैं। तो गाइस, 22 मैच में 20 ही गोल स्कोर करना आप मान सकते हो जो इसका अटैक है, प्रत्येक मैच में 0.9 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखता है। वहीं पर बात करें इसने 22 मैच में 27 गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड किए, तो इसका जो डिफेंस है प्रत्येक मैच में 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज रखता है। अटैकिंग वाइज ये टीम प्रत्येक मैच में 1 गोल कर नहीं पाती, बल्कि अपने लेवल की टीम के सामने प्रत्येक मैच में 1 गोल कर देती, लेकिन डिफेंसिव वाइज ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, एक बेहतर टीम के सामने प्रत्येक मैच में 1 या 2 गोल पर मैच कंसीड करती है। अब गाइस, बात आती है किस टीम को हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम में एक फेवरेट टीम मान के चलें इन दोनों टीमों में से। तो गाइस, मैं यहां से एक फेवरेट टीम जियोनबुक होंडाई मोटर्स को मान के चलता हूं। क्यों? क्योंकि इसका जो परफॉर्मेंस है इस लीग में अटैकिंग वाइज और डिफेंसिव वाइज काफी बेहतरीन देखने को मिलता है, इसलिए मैं यहां से एक फेवरेट टीम जियोनबुक होंडाई मोटर्स को मान के चलता हूं। लेकिन गाइस, हम बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में हेड टू हेड मैचेस खेलती हैं तो क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलता है इन दोनों टीमों की ओर से, और वहां से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टीम इस मैच में फेवरेट टीम होने वाली हमारी स्मॉल लीग टीम बनाने के लिए ड्रीम इलेवन पर। तो गाइस, इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 5 हेड टू हेड मैचेस हुए हैं, जिनमें से जियोनबुक होंडाई मोटर्स ने 4 मैच विन किए हैं और 1 मैच ड्रॉ खेला है। अभी तक इस टीम के सामने 1 भी मैच लॉस नहीं किया, बल्कि अटैकिंग वाइज 2.6 गोल पर मैच स्कोर किया और डिफेंसिव वाइज 1 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो गाइस, जियोनबुक होंडाई मोटर्स जब इस टीम के सामने खेलती है तो प्रत्येक मैच में कम से कम 2 या 3 गोल पर मैच स्कोर करती है और डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं आप मान सकते हो 1 गोल कंसीड भी कर ही देती है। अब गाइस, बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ, तो यहां से जियोनबुक होंडाई मोटर्स उस मैच को 2-0 से विन कर गई थी। अटैकिंग वाइज 2 गोल के, लेकिन डिफेंसिव वाइज 1 भी गोल कंसीड नहीं किया इस टीम के सामने। लेकिन उससे पिछले मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच हुआ, उस मैच को यहां से 4-1 से जियोनबुक होंडाई मोटर्स अपने होम ग्राउंड में विन कर गई थी, और आज भी जियोनबुक होंडाई मोटर्स का होम ग्राउंड में यह मैच होने वाला, तो इसी तरह का रिजल्ट आपको आज भी देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पिछले मुकाबला इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच हुआ, उस मैच का रिजल्ट यहां से 3-3 ड्रॉ, मतलब दोनों टीमों की तरफ से इक्वली गोल भी हुए और डिफेंसिव वाइज दोनों टीमों की तरफ से 3-3 गोल कंसीड भी किए गए। लेकिन उससे पिछले मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच हुआ और यहां से जियोनबुक होंडाई मोटर्स उस मैच को 1-0 से विन कर गई, और फिर इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच हुआ और उस मैच को भी यहां से जियोनबुक होंडाई मोटर्स 3-1 से विन कर गई। तो गाइस, जियोनबुक होंडाई मोटर्स जब इस टीम के सामने खेलते हैं तो कम से कम अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में इस टीम का एवरेज रहता है 2 या 3 गोल पर मैच स्कोर कर लेना, लेकिन डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं ये टीम 1 गोल कंसीड भी कर देती, लेकिन ये अपने होम ग्राउंड में इस टीम के सामने गोल कंसीड नहीं करती, बल्कि जब ग्वांगजू का होम ग्राउंड में मैच होता है जियोनबुक होंडाई मोटर्स का, तब 1 गोल कंसीड करती है, वरना अपने होम ग्राउंड में तो ये टीम 1 भी गोल कंसीड नहीं करती। पिछले 3 मैच हुए हैं इन दोनों टीमों का, मतलब जियोनबुक होंडाई
मोटर्स के होम ग्राउंड में सिर्फ दो ही गोल कंसीड किए हैं। तो आप यहां से देख सकते हो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहता है जोनबुक होंडाई मोटर्स की ओर से। अब गाइस बात करते हैं, यहां से तो क्लियर कट फेवरेट टीम जोनबुक होंडाई मोटर्स निकल कर आती है, लेकिन रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग फिलहाल के टाइम पर जो इन दोनों टीमों का परफॉर्मेंस है उसके बारे में एक बार नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं जोनबुक होंडाई मोटर्स के रिसेंट फॉर्म पर। तो गाइस जोनबुक होंडाई मोटर्स ने रिसेंटली 6 मैच खेले जिनमें से 5 मैच विन और 1 मैच लॉस, और अटैकिंग वाइज 3.3 गोल पर मैच स्कोर करने का इसका एवरेज है, लेकिन डिफेंसिव वाइज 0.7। मतलब ये टीम फिलहाल के टाइम पर प्रत्येक मैच में गोल कम से कम 3 गोल करती है, और डिफेंसिव वाइज तो ये टीम जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने ही 2 मैच में 1 ही गोल कंसीड करती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच जोनबुक होंडाई मोटर्स डाइगो एफसी के सामने 2-1 से विन करके आ रही है, अटैकिंग वाइज 2 गोल के लेकिन डिफेंसिव वाइज 1 गोल कंसीड किया, और डाइगो एफसी फिलहाल के टाइम पर जो इसका परफॉर्मेंस अटैकिंग वाइज वो काफ़ी बेहतरीन है, तो 1 गोल तो बनता है, लेकिन उससे फिर मुकाबले स्वान एफसी के सामने ये टीम 1-0 से लॉस कर गई, और उससे फिर मुकाबले गांबा ओसाका के सामने 2-1 से विन किया, और फिर यहाँ से 3-1 से विन किया, और फिर यहां से 4-0 से विन किया, और फिर यहां से 9-0 से विन किया एफसी चैंपियनशिप लीग में। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो इस टीम का जो परफॉर्मेंस है अटैकिंग वाइज काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है, और डिफेंसिव वाइज तो ये टीम जल्दी से गोल कंसीड भी नहीं करती। तो रिसेंट फॉर्म भी यहां से जोनबुक होंडाई को फेवर करती है। लेकिन गाइस अब बात करते हैं गवांगजो एफसी का जो रिसेंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग फिलहाल के टाइम पर कैसा परफॉर्मेंस है। तो गाइस गवांगजो एफसी ने रिसेंटली 6 मैच खेले जिनमें से 1 मैच विन, 2 मैच ड्रॉ और 3 मैच इस टीम ने फिलहाल के टाइम पर लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंसिव वाइज 1.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो गाइस अटैकिंग वाइज 1 गोल पर मैच करती है, डिफेंसिव वाइज भी कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि 1 या 2 गोल पर मैच कंसीड भी कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच गवांगजो एफसी 1-0 से लॉस करके आ रहे हैं एफसी सियोल के सामने, उससे पिछले मुकाबले इस टीम ने 0-0 से मैच को ड्रॉ भी खेला, तो इसका अंदर पोटेंशियल है मैच को 0-0 में तब्दील कर सकती है। डिफेंसिव वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन अटैकिंग वाइज इस टीम का परफॉर्मेंस बेहतर नहीं है। लेकिन उससे पिछले मुकाबले ये टीम गवांगजो एफसी गैंगवान के सामने 3-1 से विन करके उससे पिछले मुकाबले 1-1 से मैच को ड्रॉ भी खेला, और उससे पिछले मुकाबले 1-0 से लॉस, फिर इस टीम ने 4-3 से लॉस भी मतलब लॉस भी किया है। तो अटैकिंग वाइज उस मैच में 3 गोल के लेकिन 4 गोल डिफेंसिव वाइज कंसीड भी किया। तो गाइज इसका जो परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, इस टीम ने रिसेंटली 2 मैच तो ड्रॉ खेले हैं, 1-0-0 से ड्रॉ, 1-1 से ड्रॉ, और 3 मैच इस टीम ने फिलहाल के मतलब 3 मैच इस टीम ने लॉस भी किए हैं, और 2 मैच तो ऐसे हैं जिसमें इसने 1 भी गोल नहीं किया, बल्कि 1 मैच ऐसा है जिसमें इसने 1 ही मैच में 3 गोल कर दिए, और 1 मैच इस टीम ने विन भी किया, उस मैच में 3 गोल अटैकिंग वाइज किया और डिफेंसिव वाइज 1 गोल कंसीड भी किया। तो गाइज इसका जो परफॉर्मेंस है डिफेंसिव वाइज कहने के प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर ही देती है, और अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में गोल कर नहीं पाती। तो परफॉर्मेंस आप मान सकते हो काफ़ी लो है इस टीम का अटैकिंग वाइज, और डिफेंसिव वाइज तो आप मान सकते हो सही है। लेकिन गाइज अब बात आती है इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता हमारी समर लीग टीम बनाने के लिए ड्रीम 11 पर। तो एक बार नजर डालते हैं, सबसे पहले इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर हमने नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों रीसेंट फॉर्म पर नजर डाली। तो इन तीनों चीजों को एक साथ मध्य नजर रखते हुए इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या निकल कर आना चाहिए। तो गाइस पॉइंट्स टेबल का अकॉर्डिंग प्रत्येक मैच में कम से कम जोनबुक होंडाई मोटर्स 1 या 2 गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन डिफेंसिव जल्दी से गोल कंसीड भी नहीं करती, और गवांगजो एफसी का जो परफॉर्मेंस है रीसेंट मतलब पॉइंट्स टेबल के अकॉर्डिंग प्रत्येक मैच में ये टीम गोल नहीं कर पाती, बल्कि डिफेंसिव वाइज कहने के प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर ही देती है। अब गाइस बात करें हेड टू हेड में जोनबुक होंडाई मोटर जब इस टीम के सामने खेलती है तो कम से कम प्रत्येक मैच में 2 गोल करती है, और डिफेंसिव वाइज तो जल्दी से गोल कंसीड भी नहीं करती, प्रत्येक मैच में कहीं ना कहीं 1 गोल कंसीड भी कर देती है। और रिसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग ये चीज़ देखने को मिली कि जोनबुक होंडाई मोटर्स प्रत्येक मैच में फिलहाल के टाइम पर कम से कम 2 या 3 गोल पर मैच स्कोर करती है, और डिफेंसिव वाइज तो जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, बेहतर टीम के सामने ही प्रत्येक मैच में गोल कंसीड करती है। और गवांगजो एफसी का जो रिसेंट फॉर्म है ये बोलता है कि प्रत्येक मैच में गोल नहीं कर पाती, बल्कि डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में 1 या 2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड कर देती है। तो गाइस आखिर क्या निकल कर आना चाहिए इस मैच का समर लीग टीम बनाने के लिए हमारे के लिए इस मैच का प्रेडिक्शन। तो गाइज मुझे लगता है कि इस मैच में कम से कम जोनबुक होंडाई मोटर्स अपना होम ग्राउंड में खेलेगी, एडवांटेज रहेगा मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करने का, तो कहीं ना कहीं जोनबुक होंडाई मोटर्स की तरफ से इस मैच में 3 गोल देखने को मिल सकते हैं, और डिफेंसिव वाइज कहीं ना कहीं आप नज़र आ सकता है कि 1 गोल कंसीड भी हो सकता है। इसीलिए मेरे इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन 3-1 रहने वाला, और 3-1 के प्रेडिक्शन का अनुसार ही इस मैच में हम अपनी समर लीग टीम बनाएंगे ड्रीम 11 पर। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने
कितने गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालेंगे जियोनबुक होंडाई मोटर्स के प्लेयर्स के बारे में, फिर गाइस बात करेंगे गवांगजू एफसी के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। उससे पहले अगर आप बिल्कुल नए हो और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और इसी वीडियो के सबसे ऊपर वाले कॉमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा और लिंक के माध्यम से आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और कोई तरीका नहीं है हमसे जुड़ने का, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लिंक के जरिए हमसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की प्लेयर वाइज कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो एक बार नज़र डालते हैं जियोनबुक होंडाई मोटर्स के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस जियोनबुक होंडाई मोटर्स टीम तरफ फिलहाल के टाइम पर जो कोरियन लीग में हाईएस्ट गोल टेकर मतलब इस टीम की तरफ से स्टानिस्लाव, जिसने इस टीम की तरफ से 9 गोल किए लेकिन 2 गोल इस टीम की तरफ से इसने पेनल्टी में किए। तो यहाँ से पता चलता है कि ये इस टीम की तरफ से फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर भी है और पेनल्टी में गोल भी करता है। वहीं पर बात करते हैं सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर इस टीम की तरफ से गुस्टावो, जिसने इस टीम की तरफ से 6 गोल किए लेकिन पिछले मैच में इस टीम की तरफ से इसी ने पेनल्टी ली थी, उस मैच में स्टानिस्लाव खेला नहीं था, इसलिए यहां से बैकअप में पेनल्टी टेकर यहां से गुस्टावो रहने वाला है। वहीं पर बात करते हैं थर्ड हाईएस्ट गोल टेकर इस टीम की तरफ से क्यूवान हा, जिसने इस टीम की तरफ से 6 गोल किए और यहाँ से सियोंग किली 3 गोल कर चुका और यहाँ से मोदो बोरो जो कि इस टीम की तरफ से 3 गोल कर चुका। लेकिन ये जो टॉप 4 प्लेयर हैं, टॉप 5 प्लेयर हैं, ये ऐसे प्लेयर हैं जो प्रत्येक मैच में कम से कम प्रत्येक मैच में गोल कर देते हैं और कम से कम एक या दो गोल पर मैच भी कर देते हैं। तो इनका अंदर पोटेंशियल काफ़ी हाई है गोल करने की, तो इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना अपने ड्रीम इलेवन टीम में। अधिकतर आप इन तीन को तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, अगर ये स्टार्टिंग लाइनअप में रहे तो इन तीनों को पिक करने की कोशिश करना। तो इनको मैं फिलहाल के लिए अपनी टीम में पिक करके चलाऊँ, बाकी जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है फिलहाल के मैंने उनको राइट का टिक किया हुआ है, उन्हें अपनी टीम में पिक कर लेना। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले इस टीम तरफ कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नज़र डालते हैं। हाँ तो गाइज इस टीम तरफ जो हाईएस्ट असिस्ट टेकर है वो कयंग किम, इसका सिलेक्शन 3% और इसने 8 असिस्ट किए, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है लेकिन क्रेडिट इसका 9.5, मतलब इस मैच में क्रेडिट की प्रॉब्लम हो सकती है आपको संभालने की टीम बनाते वक्त, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने एक गोल भी किया और 8 असिस्ट भी किए, और 8 असिस्ट का आपको पता है कि 20 पॉइंट मिलते हैं और डिफेंसिव पॉइंट वैसे भी दे जाएगा, तो आप मान सकते हो अगर इसका असिस्ट आया तो उस कंडीशन में 40 पॉइंट देने की आराम से क्षमता रखता है। बाकी यहां से जो सेकंड हाईएस्ट फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर इस टीम तरफ से वो सेकंड हाईएस्ट असिस्ट टेकर है गुस्टावो, जिस टीम तरफ से 3 असिस्ट कर चुका। बाकी के सभी प्लेयर्स का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप स्क्रीन शॉट ले लेना। जो यहाँ से इंपॉर्टेंट प्लेयर है फिलहाल के लिए मैं उनको राइट का टिक मार रहा हूँ, तो उन्हें आप अपनी ड्रीम इलेवन टीम में जरूर पिक करके चलना ही चलना, और बाकी का आपकी चॉइस रहेगी किन प्लेयर्स को पिक करना है किन को नहीं, लेकिन आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं सेकंड टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो एक बार नज़र डालते हैं गवांगजू एफसी के प्लेयर्स के बारे में। हाँ तो गाइज गवांगजू एफसी की टीम तरफ फिलहाल के टाइम पर जो हाईएस्ट गोल टेकर है जंग वू किम, ये आप देख सकते हो यहाँ से 22 मैच में सिर्फ 3 ही गोल किए हैं। अगर हम इसको अपनी टीम में पिक भी करें तो 22 मैच में से ये सिर्फ 3 बार विन कराएगा हमको, बाकी 22 में से आप मान सकते हो कि ये बंदा 19 बार लॉस कराएगा अपना। तो कैसे इस प्लेयर पर रिलायबल हम किस तरह विश्वास कर लें कि ये मैच में गोल करेगा, लेकिन ये इस टीम तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर जरूर है। अगर आपको लगे कि भाई इस मैच में पेनल्टी हो सकती है तो उस कंडीशन में जंग वो किम एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। बाकी यहाँ से किम मतलब जो गोंग इस टीम तरफ से 2 गोल कर चुका, 1 गोल इसने भी पेनल्टी में किया, लेकिन तब क्या है जब यहाँ से जोंग वो किम नहीं थे फील्ड में। बाकी के सभी प्लेयर्स ने एक एक दो दो गोल किए, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ऐसा कोई भी इस टीम तरफ से प्लेयर देखने को नहीं मिलेगा जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर दो कि भाई ये इस टीम तरफ से गोल कर देगा। बाकी आपकी चॉइस रहेगी और इस पर लक चलेगा कि कौन से प्लेयर आज गोल करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मैं इनमें से किसी को पिक करने वाला नहीं हूँ अपनी टीम के लिए। क्यों? अगर ये गोल नहीं करेंगे तो पॉइंट भी नहीं देंगे, तो यार हमें तो डिफेंसिव पॉइंट चाहिए। अगर सॉरी गाइज बट डिफेंसिव पॉइंट के लिए हम ऐसे प्लेयर को पिक करेंगे जो अपनी टीम तरफ से इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन फेलिप सोसा ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसने प्रीवियस सीजन में इस टीम की तरफ से 12 गोल निकाले थे, तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है। लेकिन मैंने इसका नाम देखा ड्रीम इलेवन पर जब मैं टीम बना रहा था उस टाइम पर, इसका ना ड्रीम इलेवन अभी तक ऐड नहीं किया। पता नहीं अगर आफ्टर लाइनअप अगर इसको ऐड कर देगा तो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर जरूर अपडेट दूंगा इस प्लेयर्स के बारे में। बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप स्क्रीनशॉट जरूर लेना, क्योंकि इन प्लेयर्स का ना कोई ऐसा रिकॉर्ड तो है नहीं है कि भाई इसके बेस के अनुसार टीम बनाएं, लेकिन हम उन प्लेयर्स को ही पिक करेंगे
जो डिफेंसिव पॉइंट देंगे, कम से कम 20 प्लस पॉइंट देंगे जो अपनी टीम की तरफ से, तो उनके लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर जरूर बताऊंगा। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले में, इस टीम तरफ से कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नजर डालते हैं। यहाँ से चाहते हो ना आप इन चारों को पिक करके चल सकते हो। असिस्ट के मामले में कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नजर डालते हैं। हाँ तो गाइज, असिस्ट के मामले में इस टीम तरफ से रईस है, जिसने एक गोल भी किया और वो गोल इसने पेनल्टी में किया और 3 असिस्ट किया, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हो हल्का सा। लेकिन डिफेंसिव पॉइंट देगा नहीं देगा वो आफ्टर लाइनअप पता चल जाएगा। बाकी के सभी प्लेयर्स ने एक एक असिस्ट किया, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं इस मैच में हमारा स्कोरलाइन प्रेडिक्शन हमने रखा है 3-1, और 3-1 के प्रेडिक्शन के अनुसार जो इस मैच में हमारी संभाली की टीम है ड्रीम इलेवन पर, तो एक बार नज़र डालते हैं ड्रीम इलेवन की टीम पर। हाँ तो गाइज, फिलहाल के लिए उन सभी प्लेयर्स को मैंने अपनी टीम में जगह दी है जिनका रिकॉर्ड बेहतर है, जैसे कि हमने स्टानिस्लाव को पिक करा और यहाँ से गुस्टाव हेनरिक को पिक करा, बोरो को पिक करके चलें, के बो केयोंग को जिसका सिलेक्शन वेरी लेस लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर है, 1 गोल 8 असिस्ट कर चुका, और यहाँ से हाक क्यू वोन को पिक करके चलें। लेकिन अगर आप किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन अदर प्लेयर्स को देना चाहते हो, यहाँ से बोरो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, और कोई ज़रूरी नहीं ये प्लेयर सब इस मैच में स्टार्ट करें, क्योंकि आज टीम हल्की है, तो हल्की टीम के सामने शायद इस मैच में बेंच प्लेयर को मौका मिले, तो उस कंडीशन में मैंने आपको उन सारे प्लेयर्स का रिकॉर्ड भी दिखाया। तो इस टीम में जो चेंजिंग होगी वो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और इस वीडियो के सबसे ऊपर वाले कमेंट में दिया हुआ, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ भी सकते हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें मोटिवेट करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक बात याद रहे, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और लिंक के माध्यम से ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है।